हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? अच्छे, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हाजिर हूं आपको नई धमाकेदार वीडियो लेकर। तो आज वीडियो बनेगा, वीडियो वाला बहुत ही मजेदार, क्योंकि आज का हमारा वीडियो वाला सभी भाइयों के फेवरेट टॉपिक पर, क्योंकि आज का हमारा वीडियो वाला ट्राइसेप के ऊपर। क्योंकि बहुत भाई चाहते हैं कि मैं हबाजी सेट वगैरह पहनूं, मेरा डोला तब के तकड़ा। तो भाई डोला आपका जब तकड़ा चमकेगा जब आपका ट्राइसेप तकड़ा होगा, क्योंकि हमारे आर्म्स में 30% बाइसेप का होता है और 70% ट्राइसेप का होता है। तो भाई हमें ट्राइसेप पे ज्यादा मेहनत करनी है। भाई बहुत भाई चाहते हैं कि मैं बाइसेप पे ज्यादा मेहनत करूंगा तो मेरा डोला तकड़ा लगने लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो आपको अपने ट्राइसेप पे ज्यादा मेहनत करनी है। भाई आपने बहुत भाइयों को देखा होगा जब चलते हैं तो उनका डोला जब बड़ा चमकता है, जब उनको ट्राइसेप बड़ा होता है, तो आपको ट्राइसेप पे ज्यादा मेहनत करनी है। तो भाई आपको ट्राइसेप का साइज बढ़ाने के लिए, और पूरा मतलब आपका ट्राइसेप का साइज बढ़ेगा, जब आपके आर्म्स का साइज बढ़ेगा तो भाई आपको ट्राइसेप का साइज बढ़ाने के लिए ओनली बॉडी वेट के साथ फुल वर्कआउट बताऊंगा। तो भाई ना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ओनली होम वर्कआउट है, तो इसमें हमें किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम एक्सरसाइज लगाएंगे बैठ कर, भाई थोड़ी कोनियों वाली एक्सरसाइज होने वाली है, तो मतलब कोनी नीचे छिल जाएंगी। तो आप भी किसी दड़ी वगैरह या फिर किसी मैट वगैरह का यूज करके इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में तो हम पहले एक्सरसाइज लगाएंगे अपनी मसल को खोलने के लिए। भाई हम कोई भी वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट से पहले वार्म अप करना बहुत ही जरूरी है। तो अपनी मसल को चार्ज कर लेना खोलने के लिए, हमें वर्कआउट में बहुत ही आसानी होगी और हम किसी इंजरी वगैरह से भी बचे रहेंगे। तो इस कंडीशन में अपनी मसल को खोलने के एक मसल को, तभी अपना कोई मसल का वर्कआउट करें तो उस वर्कआउट को तभी फॉलो करें। तो पहले एक्सरसाइज मतलब वर्कआउट से पहले हम थोड़ी पुशअप्स लगाएंगे, जिससे कि हमारी बाजू खुल जाएंगे अच्छी तरीके से। क्योंकि हम पुशअप्स हमारी बॉडी को चार्ज करने के लिए बहुत ही बेटर एक्सरसाइज है। वर्कआउट को हम कोई भी करते हैं, किसी मसल का करते हैं, तो पुशअप्स आप लगा सकते हैं इस कंडीशन में। 10-15 पुशअप्स आप लगा सकते हैं, जितनी आपसे लग पाती हैं इस कंडीशन में। तो ये नॉर्मली पुशअप्स आपको लगानी है, जिससे कि आपका एकदम ट्राइसेप पूरा लोड मतलब ट्राइसेप की मसल खुल जाएगी। तो अब हम लगाने वाले हैं एक्सरसाइज, क्योंकि हम इस कंडीशन में सामने से लगाएंगे पहले और फिर साइड से। तो आपको पहले जो एक्सरसाइज लगानी है इस कंडीशन में, अपने हाथों को इस कंडीशन में आगे की तरफ रखना। ये इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में पुशअप्स लगाते हैं, बॉडी को सीधा रखना और ये नीचे इस कंडीशन में, नीचे इसकी ओर पूरा एकदम ट्राइसेप पे लोड है इस कंडीशन में, सिरे से नीचे इसकी यूज करना। ये इस कंडीशन में पूरा ऊपर आना। इस एक्सरसाइज के भी आप 3-4 सेट लगा सकते हैं और मैक्सिमम आप जितने रैपिड से निकाल सकते हैं इतने निकालें। तो ओनली होम वर्कआउट है, ओनली बॉडी वेट के साथ इस वर्कआउट को आप फॉलो कर सकते हैं इस कंडीशन में। ये तो वर्कआउट आपको इस कंडीशन में लगाना है 3 सेट के साथ और रेपिटेशन अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। कि भाई बहुत भाई डिमोटिवेट होते हैं कि मैं जिम में जाकर ही ट्राइसेप का वर्कआउट कर सकता हूं। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि भाई आपकी बॉडी नहीं, आपकी बॉडी को क्या पता कि आप किस चीज़ से वर्कआउट कर रहे हैं। तो आप अपनी बॉडी वेट के साथ भी अपने मतलब एक एक मसल को ट्रेन कर सकते हैं आसानी से। तो हम लगाएंगे अगली एक्सरसाइज, जो कि हमें लगानी इस कंडीशन में। तो इसे सामने से दिखाता हूँ इस कंडीशन में। ये इस कंडीशन में आपको हाथ रखने इस कंडीशन में, ये इस कंडीशन में हाथ रखने और ये पुशअप्स की कंडीशन में आना, बॉडी को सीधा रखना और ये सिरों नीचे ये इस कंडीशन में और ये इसकी ऊपर होल्ड करना थोड़ा सिलो नीचे इस कंडीशन में। तो एकदम पूरा ट्राइसेप पे लोड डालना। भाई जब तक हमारी मसल पे लोड नहीं आएगा तो कोई भी वर्कआउट करें तो वही सारा बेस्ट है। तो मसल पे लोड आना बहुत जरूरी है। कि भाई जो भी हम वर्कआउट करें तो वर्कआउट करें भाई मसल पे लोड डालने के लिए। तो भाई जब तक आपकी मसल पे लोड नहीं आएगा तो वही सारा वर्कआउट आपका बेस्ट है और आपका टाइम भी मतलब बेकार होगा। तो भाई वर्कआउट को करें एकदम फील करके करें, एकदम अच्छी तरीके से करें। जब तक आपकी मसल पे लोड ना आए तो भाई वर्कआउट आपका बेस्ट है। तो मसल पे लोड आना बहुत जरूरी है। मसल माइंड कॉन्ट्रैक्ट से बना के एकदम पूरा मसल पे आपको आपका माइंड होना चाहिए। तो अगली एक्सरसाइज लगाएंगे हम इस कंडीशन में। तो अगली एक्सरसाइज फिर से हम लगाएंगे डायमंड पुशअप, जो कि हमें इस कंडीशन में लगानी है। ये डायमंड पुशअप लगानी है। कि भाई ये डायमंड पुशअप हम अपने चेस्ट के लिए लगाते हैं, तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं अपने ट्राइसेप के लिए। तो चेस्ट के लिए जो लगाते हैं हम पूरा इसकी यूज करते हैं इस कंडीशन में, इसकी यूज। तो आपको ऐसा नहीं करना इस कंडीशन में, सिलो कहीं नीचे और यहाँ तक लाना, फिर से पुशअप लगानी है, फिर से नीचे थोड़ा ऊपर लाना, ये चेस्ट पे लोड डालना, ट्राइसेप पे लोड डालना इस कंडीशन में, ये इस कंडीशन में। और जो भी मैं आपको वर्कआउट बता रहा हूँ हर एक्सरसाइज के आपको 3-4 सेट लगाने हैं और मैक्सिमम आप जितने रेपिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं। क्योंकि जब तक आपकी मसल दुखने न लगे तो आपको वर्कआउट करते रहना करते रहना करते रहना।
तो जब भी आपका मतलब आपकी मसल ट्रेन होगी, अच्छा ट्रेन होगी और आप अच्छी डाइट लोगे, तो जब भी आपका मसल का साइज बढ़ेगा, ट्राइसेप का साइज बढ़ेगा, आर्म का साइज बढ़ेगा। तो अगले एक्सरसाइज लगाएंगे हम इस कंडीशन में, साइड से दिखाता हूँ कि भाई इधर से पूरा ऊपर देख नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में ये सील हो गए नीचे और एज क्यूज, ट्राइसेप पे लोड डालना इस कंडीशन में, और आप इसे पीछे भी लेके जा सकते हैं इस कंडीशन में, फिर से वापस ये इस क्यूज। तो पूरा एकदम ट्राइसेप पे लोड आ रहा है इस वर्कआउट से पीछे, और ये सिलो नीचे इस क्यूज होल्ड करना इस कंडीशन में, पूरा ट्राइसेप पे लोड डालना ये इस कंडीशन में इस क्यूज। तो भाई ये वर्कआउट आपके लिए ट्राइसेप को बड़ा तकड़ा करने के लिए, कटिंग में लाने के लिए बहुत ही बेटर है। तो भाई मसल एकदम ट्रेन हो चुके हैं अच्छे तरीके से। तो हमने कैसे यहाँ पर बॉडी वेट के साथ ओनली होम वर्कआउट कैसे एकदम ट्राइसेप को ट्रेन कर दिया, तो भाई इसी कंडीशन में आप भी ट्राइसेप को ट्रेन कर सकते हैं। तो भाई आपको जैसे कि हमने यहाँ पर हमारी मसल तो ट्रेन हो गई, तो भाई मसल को डाइट मिलना बहुत ही जरूरी है। तो भाई आपको डाइट लेना बहुत जरूरी है, प्रोटीन डाइट लेना बहुत जरूरी है, हाई प्रोटीन डाइट लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी मसल का साइज भी बढ़ेगा जो हमारी मसल को डाइट मिलेगी। तो भाई मसल की डाइट है प्रोटीन, तो हाई प्रोटीन डाइट लें जैसे कि चिकन वगैरह अंडे वगैरह। तो भाई ये वर्कआउट को आपको फॉलो करना जो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वर्कआउट को फॉलो करो, डाइट फॉलो करो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर लानी है कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद और वंदे मातरम।